उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मंडल मुख्यालय पर स्थित श्रीनगर रेड में अवैध 34 दुकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है, जिसके बाद से ही अतिक्रमण धारक लगातार खुद को विस्थापन करने की मांग जिला प्रशासन और नगर पालिका से करते आ रहे हैं। अतिक्रमण धारकों का शिष्टमंडल मुख्यमंत्री सांसद तीरथ सिंह रावत से मिले। बता दें कि तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और खुद को विस्थापन करने की मांग भी इस दौरान उनके द्वारा रखी गई है। वीरा भंडारी ने कहा कि जिन दुकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है, वह दुकानदार पिछले कई सालों से नगर पालिका को टैक्स का भुगतान करते आ रहे हैं और अब उच्च न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासन ने उनकी रोजी रोटी पर बुलडोजर चलवा दिया है। वहीं इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि इस संबंध में शासन स्तर पर बात कर इन दुकानदारों के हक में फैसला लेने की कवायद शुरू की जाएगी। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। यहाँ पे पौड़ी में अतिक्रमण में दुकानें टूटी गई थी, 32 दुकानें टूटी गई थी और सारे ये लोग यहाँ पे माननीय सांसद महोदय जी को यहाँ पे मिलने के लिए आए थे और माननीय सांसद जी महोदय द्वारा जो उनको पूरा आश्वासन दिया गया कि जो कोर्ट के आदेश थे, कोर्ट के आदेश के आगे तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। उनकी बात हो रही है, हुई है तो मैंने विषय हुआ नगर पालिका चेयरमैन था तो उन्होंने कहा इस बारे में हम सोचेंगे और हमारा प्लान है। तो ऐसे जो लोग उससे जो प्रभावित हुए हैं उनको कहीं ना कहीं जगह देने का काम करेंगे, लेकिन मैंने कहा सीधा कि जो